पास आ जाएंगे? हाँ थोड़ा करीब आ जाएंगे। हमने आपके आने से पहले आपस में कुछ सवाल साझे किए हैं, आपके सामने रखेंगे। तो एक तो ये सवाल आया कि इस देश में रिजर्वेशन को बड़ा बदनाम किया गया, ये कोटे वाले हैं, ये भीमटे हैं, ये लायक नहीं है, मेरिटोरियस नहीं है। हमारे दिल में, हमारे सब लोगों के दिल में ये है कि ये बात झूठी है, काबिलियत में कोई कमी नहीं है, ये हकदारी और भागीदारी का मामला है। उस पर थोड़ी सी आपकी हम रोशनी चाहेंगे। और इसी तरह जाति जनगणना से जुड़ा सवाल है, और हमें ये मन में आता है कि वो केवल रिजर्वेशन की ही कहानी है या इससे आगे की कोई कहानी है जाति जनगणना में। हमें लगता है कि आपके बातों में कुछ नई बात हमें कई बार महसूस होती है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। सबसे जरूरी जिस चीज को मेरिट कहा जाता है उसका निर्णय कौन लेता है? मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट हुआ अमेरिका में। जैसे हमारी IITs होती हैं, उनका जो टॉप एग्जाम होता है उसको SAT कहते हैं। और जब SAT पहले लागू हुआ तो एक अजीब सी चीज आई कि जो अमेरिका में गोरे थे वो सब टॉप कर रहे थे, और जो काले चमड़ी वाले थे वो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, और वो जो स्पैनिश बोलते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। तो पहले क्या बोला, पहले जो उनके बड़े बड़े एकेडमिक्स थे उन्होंने बोला, देखो ये जो है ना, ये जो काले हैं और ये जो स्पैनिश बोलने वाले लैटिन अमेरिकन हैं, ये इतने मेरिटोरियस नहीं है, इनको मतलब वो बात समझ नहीं आ रही है, इनकी कैपेबिलिटी कम है। और ये काफी सालों चला। फिर एक आदमी ने क्या किया, एक प्रोफेसर ने, उसने कहा एक चीज चेक करता हूँ, जो पेपर लिखे गए थे ना उन्होंने वो पेपर कालों से लिखवा दिए। सिर्फ उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, पेपर कालों से लिखवा देते हैं और फिर वो एग्जाम दे देते हैं। पता क्या हुआ, गोरे सब फेल हो गए। मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वही मेरिट डिसाइड कर रहा है। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ, अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए होगे। तो ये कहना कि भैया ये मेरिट से आया, ये मेरिट से नहीं, सवाल में है भैया, वो जो ऊपर बैठा है वो कौन है वो पहले मुझे बताओ। अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि IIT का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा के दिखाओ, ट्राई करते हैं। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना से अगला कदम दिखेगा। जाति जनगणना में ये कहना कि जाति जनगणना सोल्यूशन है, नहीं, मगर जाति जनगणना में ये पता लग जाएगा कि भैया आप कह रहे हो कि दलित लोगों में कोई कमी है, ठीक है, मगर ये जो संस्था है जो डिसाइड कर रहे हैं इनमें तो एक दलित है ही नहीं, उनकी तो आवाज ही नहीं है, उनकी सोच ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो जाति जनगणना क्या दिखाएगा, किसकी कितनी आबादी है, दूसरे नंबर पे कौन कहाँ है, मतलब ब्यूरोक्रेसी में कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, और उसके बाद क्या होगा। मैं खुल के बोलूं तो ये जो पिछले 10 साल में BJP ने किया है, ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की जो हिस्ट्री है उसको मिटा दिया। आपका क्या रोल था आजादी में, क्या रोल था उससे पहले, क्या था आपने, मतलब आपकी आपकी हजारों साल की हिस्ट्री है वो सब गायब कर दी, और जिसकी हिस्ट्री चली गई फिर वो भविष्य की कैसे बात कर सकते। 21वीं सदी है, डेटा का जमाना है, डेटा से कोई लड़ नहीं सकता। मैंने डेटा रख दिया कि भैया जाति जनगणना का डेटा है, ये लो भैया 90 ब्यूरोक्रेट हैं, एक दलित बैठा है, एक आदिवासी बैठा है, इनका कोई हक नहीं है, बैठे हुए चुप बैठे हुए कोने में, डेटा से पता लग जाएगा। और जाति जनगणना मतलब डेटा का बस वो ऐसा जाएगा, सबको पता लग जाएगा कि भैया हमारी भागीदारी इतनी है। मैं मतलब सिस्टम के अंदर से आता हूँ, आपने अंदर से नहीं देखा कितना अन्याय हो रहा है, मुझे दिख रहा है, मैं जानता हूँ। तो ये लड़ाई है। और जाति जनगणना सिर्फ जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ आबादी का नहीं। तो एक एक सवाल ये है कि भैया कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, आपकी बात कैसे पहुंच सकती है? मतलब दलितों की बात मीडिया में कोई कर ही नहीं सकता, पिछड़ों की बात कोई कर ही नहीं सकता। आजकल हम देखते हैं, कहते हैं भैया मीडिया न्यूट्रल है, मीडिया न्यूट्रल नहीं है, मीडिया दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के खिलाफ है। ये क्लियर होना चाहिए, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को पता होना चाहिए ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा नहीं है। तो ये मेरी थिंकिंग है। और एक और बात मैं आपको कहूँ, ये जो पिछड़ा शब्द है ना, ये अच्छा शब्द नहीं, ये अदर बैकवर्ड कास्ट पिछड़ा ये नहीं। आप इस देश के फाउंडेशन हो, ये देश ये आप लोग चलाते हो। ये कहना कि भैया ये दूसरी पिछड़ी जातियां, इसका क्या मतलब? आप प्रोड्यूसर क्लास हो, जो हिंदुस्तान में प्रोडक्शन होता है वो आप करते हो, भोजन आप देते हो, ये बनाया आपने, ये सब आपने बनाया, ये इमारतें आपने बनाई। तो आपको आपको ये जो आपकी हिस्ट्री है, जो एक्चुअली हिंदुस्तान की सच्ची हिस्ट्री है, वो आपकी हिस्ट्री है।
बहुत बड़ी बात आपने कही है। एक समय उम्मीद इस देश में जागी थी कांशीराम साहब के समय के, इस देश में अब बहुजन वैचारिक आंदोलन से देश में बदलाव होगा और सभी जातियों को सभी वर्गों को उनके हक और अधिकार मिलेंगे। लेकिन जो कुनवा बिखरा हुआ नजर आया है, आपने जो उम्मीद दी जातिगत जनगणना की बात करके, पांच न्याय की बात करके, ओबीसी महासभा तमाम सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट आपसे एक टिप्पणी चाहते हैं कि इस बिखरे हुए कुनवे को आपने जो मजबूती देने का काम किया उसे हम किस स्तर पर कैसे ऊपर ले जा सकते हैं? ये काम पॉलिटिकल काम नहीं है, ये काम पॉलिटिकली नहीं किया जा सकता, ये काम मिशन के तौर पे किया जा सकता है। तो ये अगर हमने इस काम को पॉलिटिकली करने की कोशिश की, सोसाइटी समाज को इम्प्रूव करने के तौर पे किया जा सकता है। पॉलिटिकल तरीके से अगर ये करेंगे तो वो बिखराव होगा, मगर अगर लोगों को दिखेगा कि ये भैया सचमुच में मिशन के तरीके से किया जा रहा है, ये लोग जो है ये छोड़ने नहीं वाले हैं, तो फिर बिखराव कम होगा। दूसरी बात, उस समय में और इस समय में बहुत फर्क है। फर्क ये है कि जो हिंदुस्तान का धन है इन लोगों ने अब पूरा का पूरा कैप्चर कर दिया, तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए रास्ता ही नहीं है। पब्लिक सेक्टर गायब हो गया, अग्निवीर आ गया, ठेकेदारी प्रथा आ गई, तो जो पहले रास्ते थे निकलने के सारे बंद हैं, तो कोई चारा ही नहीं बचा। अब यही रास्ता है और चलना ही पड़ेगा इस पे, आप देख लेना। मैं भी एससी वर्ग से आती हूँ। संविधान ने मुझे और मेरी जैसी तमाम भारत की महिलाओं को अधिकार दिया है अपनी बात रखने और बोलने का। आज संविधान खतरे में है, उसे खोखला किया जा रहा है, उसकी जड़ें काटी जा रही है। सबसे बड़ी चिंता मुझे लोकतंत्र पे है। तो हम सारी महिलाएं आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, पर आप हमसे क्या चाहते हैं वो हमें बताएं। हम सब कुछ करने को तैयार हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में बहुत फर्क है। फर्क ये है कि जिसने कांग्रेस पार्टी की स्टीयरिंग व्हील पकड़ ली वो उसको ले जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कांग्रेस पार्टी की स्टीयरिंग व्हील पकड़ो। वो लड़ाई है, वो आपको आसानी से नहीं पकड़ने देंगे, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको अपना मानो कि ये हमारा हथियार है और उसमें आप मतलब पोजीशन बनाओ। क्योंकि जो भी कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल करता है वहीं कांग्रेस पार्टी जाएगी। मेरा लक्ष्य है कि जब मैं राजनीति खत्म करूं तब हिंदुस्तान में 50% महिला चीफ मिनिस्टर होनी चाहिए। मेरा लक्ष्य है, मैं कहता नहीं हूं, बट इसके लिए पाइपलाइन बनानी है। इसके लिए मतलब ऐसे वो नहीं बनेंगे, पहले प्रधानी लेवल से, फिर एमएलए लेवल से, फिर एमपी लेवल से, फिर जाके बनेंगे। मगर मैं चाहता हूं कि कम से कम 50% चीफ मिनिस्टर महिला हो। आज एक है, एक निवेदन था, आपने इस पूरे देश में हम लोग सारी संपदा के लोग हैं, सारी जाति के लोग, हम चाहते हैं आप हाथ बढ़ाएं और हम आपका हाथ है सर, ऐसे ऐसे सर ऐसे सब लोग हाथ बढ़ा के सब लोग आइए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब।